दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेस सेविंग फर्नीचर जो कि घरों में आपके काफी जगह बचाएंगे। तो अगर आपका भी घर छोटा है तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस अपने पहले फर्नीचर के साथ। नंबर 10, वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर। घरों में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जिन्हें रखने के लिए हमें एक छोटी सी अलमारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मली जब हम उस सामान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब वो अलमारियां एकदम खाली पड़ी रहती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जगह घेरने का काम करेंगी। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के वॉल ऑर्गेनाइजर को, जो कि काफी हद तक आपकी जगह बचाता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये लकड़ी का बना होता है जिसे कि दीवार पर ड्रिल कर दिया जाता है, जिसे कि जिस सामान को आपको इस पर रखना है तो बस इसके छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को बाहर निकालिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म जैसे बन जाएंगे जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान वगैरह सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरीके की डिजाइन लगती है जिसे कि दीवार पर आपको लगाना है एक शोपीस की तरह, लेकिन ये आपके लिए शोपीस एक छोटी सी अलमारी की तरह भी काम करेगा जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। तो बेहतरीन एक स्पेस सेविंग फर्नीचर रहता है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, एलिवेट बंक बेड। दोस्तों अगर हम घरों में मोस्ट कॉमन फर्नीचर की बात करते हैं तो डबल बेड उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन होता है। बहुत से घरों में डबल बेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही काफी जगह भी घेरते हैं आपके रूम के अंदर, और अगर आपका घर छोटा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं डबल बेड। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनाया गया है खासतौर पर इस तरीके के फर्नीचर को, जो कि देखने में तो एक छोटे से काउच जैसा लगता है जिसका इस्तेमाल आप एक सोफे के तौर पर कर पाएंगे, लेकिन जब भी आपके घर में रिलेटिव्स आ जाएं और आपको डबल बेड की जरूरत हो तो इस तरीके से इसे ओपन करके आप एक डबल बेड के रूप में भी बदल सकते हैं, जिस पर ऊपर नीचे आसानी से सोया जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज बड़ी ही कमाल की रहती है, जो कि घरों में जगह तो बचाएगी ही बचाएगी, साथ ही लुक वाइज भी काफी ज्यादा अलग सी रहती है। तो अगर आपके घर में जगह कम है और आप भी एक बेहतरीन टाइप का डबल बेड तलाश रहे हो, जो कि आपका सोफा और डबल बेड दोनों की तरह काम करे, तो इस तरीके का फर्नीचर एक बेहतरीन सोल्यूशन है ऐसी सिचुएशन में। नंबर 8, शेफमैन पोर्टेबल पर्सनल फ्रिज। दोस्तों अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर जगह की थोड़ी सी कमी है, या फिर अगर आप अपने ऑफिस या फिर ट्रैवल पर्पस के लिए एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप बड़ी ही आसानी से अपने ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए कर पाए, तो ये चीज काफी कमाल की रहती है। इस फ्रिज के साइज की बात करी जाए तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे आप अपनी टेबल पर भी सजा कर रख सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल ऑफिस वगैरह में भी आसानी से किया जा सकता है। हालांकि ये साइज में छोटा होगा, लेकिन फिर भी इसमें लगभग 6 कैन एक साथ आ सकते हैं, या फिर आप अपने खाने के सामान और ड्रिंक्स वगैरह को इसमें रख पाएंगे। इसकी खास बात ये रहती है कि ये लेस पावर कंज्यूम करता है, जिसे अगर आप चाहें तो इसे अपने कार के चार्जिंग प्लग के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से इसे ट्रैवल पर ले जाना भी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो मौसम कैसा भी हो, अगर आप भी अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से पोर्टेबल फ्रिज को, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा रहेगा, जिसके लिए एक लाइक तो दोस्तों बनता है। नंबर 7, ल्यूंटो नेस्ट लक्स मैकेनिज्म। दोस्तों अगर आपके घर में जगह कम है और आप एक ऐसा सोफा कम्बैट चाह रहे हैं जो कि एक लोगों के लिए प्रॉपर स्पेस दे, तो इस तरीके के सोफा कम्बैट को ट्राई करके देख सकते हैं। इस फर्नीचर में कमाल की बात तो ये होती है कि नॉर्मल दिखने में ये आपको एक काउच जैसा लगेगा, जिसका इस्तेमाल आप नॉर्मली अपने डाइनिंग हॉल में कर सकते हैं, लेकिन काउच पर बैठे बैठे अगर आपको आराम करने की इच्छा हो रही हो तो इसके एक हिस्से को आप ओपन करके इसे एक छोटे से सिंगल बेड में चेंज कर पाएंगे, जिससे कि दूर से दिखने में तो ये आपको एक एल शेप्ड सोफा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए छोटा सा बेड की तरह बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें कि आप अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे। तो अगर जगह कम है और अगर आप एक ऐसा फर्नीचर ढूंढ रहे हैं जो कि आपके लिए एक इमरजेंसी कंडीशन में यूज होने वाला फर्नीचर बने, जिससे कि अगर कोई रिलेटिव आ जाए और आप उसे अचानक बेड बनाना चाहें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के काउच को। नंबर 6, डीलक्स आयरनिंग बोर्ड। अगर आप अपने कपड़ों को घर पर ही प्रेस करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है एक आयरन बोर्ड की, जिसमें कि आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर पाएं, लेकिन आयरन बोर्ड साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जिन्हें कि एक जगह रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप इस तरीके के आयरन बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरीके का हिडन आयरन बोर्ड होता है, जिसे कि आप अपनी अलमीरा में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि किसी भी तरीके की अलमीरा में बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है इस आयरन बोर्ड की तो बस इसे बाहर निकालिए और आराम से कपड़े प्रेस करते रहिए। वहीं दोस्तों इसकी जो पोजीशन होती है वो एडजस्टेबल होती है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक और भी अच्छी बात है। और जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से अपनी वार्डरोब या अलमीरा में पैक कर देते हैं, जिससे कि ये ना तो आपके घर में ज्यादा जगह घेरेगा और ना ही लोगों को दिखाई देगा। तो कमाल का इस तरीके का सिस्टम रहता है। अगर आप भी अपने घरों में ही प्रेस करते हैं अपने कपड़े, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के आयरनिंग बोर्ड को। नंबर 5, पेपर टॉवल पुल आउट।
दोस्तों अगर आप अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो इस तरीके के अरेंजमेंट को सेटअप करवा सकते हैं आप भी अपने किचन में। इसकी खास बात ये रहती है कि नॉर्मल तो देखने में ये एक छोटी सी ड्रॉअर जैसा होगा, जिसे कि जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो आपको एक पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पेपर टॉवल लगी हुई देखने को मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप किचन के अंदर साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है, अगर आपके किचन में थोड़ी सी भी जगह है तो वहां पर ये सेटअप लगा दिया जाएगा, जिसे कि जब भी आपको हाथ पोछने हो, किसी बर्तन को साफ करना हो, तो इसी तरीके के आप और भी सामान को इसमें रख सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आपको एक फ्री स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप क्लीनर्स वगैरह भी रख पाएंगे। तो दोस्तों मॉड्यूलर किचन में इस तरीके का सिस्टम काफी ज्यादा मजेदार रहेगा, क्योंकि साफ सफाई से रिलेटेड चीजों को रखने के लिए काफी वैल्यूएबल होता है। नंबर 4, फ्लैटमेट। दोस्तों आजकल टाइम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, जहां पर लोग अपने ऑफिस का काम अपने घर पर ही करते हैं, और इस दौरान आपको ऑफिस वर्क स्पेस की कमी काफी खलती होगी। तो इसके लिए अगर आप अपने घर पर ही एक ऐसा छोटा सा वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं जहां पर आप अपने ऑफिस का काम या फिर स्टडी वगैरह आराम से कर पाए, तो ये सिस्टम काफी मजेदार रहता है। इस फर्नीचर की खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद स्लिम सा होता है, जिसे कि आपके घर की दीवार पर इसे लगा दिया जाएगा, और जब भी आपको काम करने की जरूरत हो तो बस इसे ओपन करिए, जिससे कि एक छोटी सी टेबल बन जाएगी और सामने की तरफ आपको एक छोटा सा एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप अपना जरूरी सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ एक टेबल लैंप भी लगी होती है, जो कि रीडिंग वगैरह में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही मोबाइल और कंप्यूटर्स के पावर एडाप्टर लगाने के लिए पोर्ट्स भी दे रखे होंगे। इसका नीचे के हिस्से को कुछ ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर आप अपने फाइल्स वगैरह और जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि आपको एक छोटा सा फ्री स्पेस मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत छोटी सी जगह में आप अपने ऑफिस को तैयार कर सकते हैं, जो कि काम करने का एक अलग लेवल पर एनवायरनमेंट बिल्ड करेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का वर्क स्पेस कैसा लगा। नंबर 3, पुल डाउन कैबिनेट। दोस्तों किचन के अंदर जो कैबिनेट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो काफी हाइट पर रहते हैं, तो अगर आप किसी जरूरी सामान को निकालना चाहते हैं तो आपको एक स्टूल की जरूरत होगी, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उसे निकालने में। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के सिस्टम को तैयार किया गया है, जो कि एक ऐसा कैबिनेट होता है जिससे कि जब भी आप सामान बाहर निकालना चाहें तो उस कैबिनेट को हल्का सा नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी रहती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कैबिनेट के स्टाइल को ही चेंज कर देगी, और जब भी आपको सामान को बाहर निकालना हो तो बस इसे नीचे की तरफ पुल करिए, सामान निकाल लीजिए, और फिर जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा और इसके डोर्स भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज काफी कमाल की रहेगी आपके मॉड्यूलर किचन के अंदर, जिससे कि अगर आपको कोई सामान निकालना है तो आपको स्टूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी कमाल का ये सिस्टम रहता है, जो कि मॉड्यूलर किचन में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। नंबर 2, मिलन कॉफी डाइनिंग टेबल। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा कमाल का फर्नीचर दिखाने वाला हूं, जो कि आपको यकीनन काफी पसंद आएगा। दोस्तों नॉर्मली घरों में डाइनिंग रूम में आपको जो है एक सेंटर टेबल देखने को मिल जाएगी, जिसे कि चेयर्स के बीचों बीच रखा जाता है। तो ये भी एक तरीके की सेंटर टेबल ही होती है, जिसका इस्तेमाल आप नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अगर आप इसे एक डाइनिंग टेबल में बदलना चाहें तो उसके भी ऑप्शन आपको इसी टेबल में देखने को मिल जाएंगे। इस टेबल के अंदर की तरफ काफी सारा स्पेस होता है, और जैसे ही आप इसे ओपन कर देते हैं तो ये एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए कर सकेंगे। इसके साथ आपको फोल्डेबल चेयर्स का एक सेट भी मिल जाता है, जो कि देखने में और भी अच्छा लगता है। इसके निचले हिस्से में आपको थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाता है, तो डाइनिंग टेबल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप इस टेबल के अंदर की तरफ रख सकते हैं, जो कि एक तरीके का हिडन स्पेस रहेगा। तो अगर आप अपनी प्लेट्स या फिर बहुत सारी चीजों को रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉपर जगह मिल जाएगी। तो इस तरीके की डाइनिंग टेबल देखने में तो एक सेंटर टेबल जैसी लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक डाइनिंग टेबल के तौर पर भी किया जा सकता है। तो इस कमाल के फर्नीचर के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, ड्रीम बॉक्स। दोस्तों अगर आपके घर में स्टोर रूम की कमी है तो आप इस तरीके के फर्नीचर को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो कि एक कमाल का स्पेस सेविंग फर्नीचर है, क्योंकि ये छोटी सी जगह में आपको बहुत सारा स्पेस दे देता है, जहां पर आप छोटे मोटे सामान को बड़ी ही आसानी से रख पाएंगे। नॉर्मली देखने में तो ये आपको एक छोटी सी अलमीरा जैसा लगता है, जिसे कि आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो ये 3 हिस्सों में ओपन होगा, यानी कि इसके जो डोर्स रहेंगे उसमें भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, और इसके बीचों बीच तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस तो देखने को मिल ही जाता है, जहां पर आप छोटे मोटे बड़े सामानों को भी आसानी से रख सकते हैं। इसके बीचों बीच आपको एक टेबल के भी ऑप्शन दे रखे गए हैं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल एक टेबल के तौर पर भी कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में एक स्टोर रूम की कमी है, या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर चीजों को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, तो इस तरीके का स्पेस सेविंग फर्नीचर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो कमेंट करके बताएगा दोस्तों आपको ये चीज कैसी लगी है। वही वीडियो में दिखाए गए किसी भी फर्नीचर को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।